नमस्कार, मैं पूजा झा, स्वागत है आपका लाइव खबर में। दक्षिण भारत की राजनीति में 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके एम करुणानिधि का मंगलवार को देहांत हो गया, जिसके चलते डीएमके समर्थक सड़कों पर रोते बिलखते नजर आए। राजनीति में जहां ज्यादातर राजनेता अपनी धार्मिकता का राग अलापते हैं, वहीं करुणानिधि ने अपनी पहचान सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले एक हिंदू विरोधी नेता के रूप में बनाई। तमिलनाडु में करुणानिधि हमेशा से हिंदू विरोधी नेता के रूप में जाने जाते हैं। भारत में रहते हुए भी उन्होंने हमेशा से हिंदुत्व का विरोध किया। इसी पर आधारित देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और दक्षिण भारत की राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले एम करुणानिधि का मंगलवार को देहांत हो गया। उन्होंने चेन्नई के एक निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली, जिसके बाद डीएमके समर्थक अपने जननायक को एक बार देखने के लिए सड़कों पर उतर आए। आपको बता दें कि करुणानिधि का पूरा जीवन गरीबों को समर्पित था। करुणानिधि ने अपने राजनीतिक जीवन के साथ साथ लेखन का भी कार्य करते रहे। साल 2011 में उन्होंने आखिरी बार पोनार शंकर नामक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी, जिसमें उन्होंने द्रविड़ विचारधारा को प्रचारित करने का काम किया। एक फिल्म ऐसी भी थी जिसकी लोकप्रियता ने उन्हें विधायक बना दिया। इस फिल्म का नाम था पराशक्ति। इस फिल्म में हिंदू धर्म की रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध किया गया था। द्रविड़ आंदोलन को तेजी से फैलाने के लिए इस फिल्म ने बहुत मदद की थी। अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत में ही उन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया था। करुणानिधि ने खुद को हमेशा नास्तिक बताया और वो खुद को वैज्ञानिक मानते थे। वो हिंदू धर्म की जाति प्रथा के घोर विरोधक थे, इसलिए करुणानिधि को हमेशा हिंदुत्व का विरोधी समझा जाता है। करुणानिधि ने अपने जीवन काल में कुल 13 चुनाव लड़े और 13 में ही जीत हासिल की। करुणानिधि तमिल राजनीति के चैंपियन तो थे ही, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय राजनीति का भी किंग मेकर माना जाता था। उनका संबंध एनडीए और यूपीए दोनों ही पार्टियों से बराबर था। जब भी देश की राजनीति में बड़े संगठनों और परिवारों की बात होगी, तब तब करुणानिधि का नाम सबसे आगे लिया जाएगा। करुणानिधि को हिंदू धर्म की रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध करने, द्रविड़ आंदोलन को फैलाने और गरीबों के मसीहा के रूप में हमेशा याद किया जाएगा।